हेलो एवरीवन, दिस इज चिन्नू राघव और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे ड्रॉ कार्टून 2 की हेल्प से इस तरह के एनिमेशन अपने फोन पे कर सकते हैं। तो ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ड्रॉ कार्टून 2 पर अपना करेक्टर बना सकते हैं, उस पर रिगिंग वगैरह कर सकते हैं, उस पर बोन्स वगैरह लगा सकते हैं, और दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे आप उसे अच्छे से एनिमेट कर सकते हैं। पर ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, बोन्स एंड रिगिंग एनिमेशन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये आपके एनिमेशन के काम को बहुत ज़्यादा कम कर लेता है। जैसे कि अगर आपको इस हाथ को यहाँ से यहाँ ले जाना है तो आपको बीच के सारे फ्रेम्स बनाने पड़ेंगे, बट अगर रिगिंग में आप इसे करते हैं तो आपको बस एक पॉइंट को यहाँ पे सेट करना है, एक पॉइंट को यहाँ पे सेट करना है, और वो अपने आप कंप्यूटर उसको एनिमेट कर देगा। तो ये चीज़ एनिमेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। और ये जो रिगिंग है ये 2D एनिमेशन में भी होती है और 3D एनिमेशन में भी होती है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप अगर फ़ोन पे एनिमेशन कर रहे हैं तो फ़ोन के जितने भी फीचर्स हैं उनका आपको बेस्ट यूज़ करना है। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये जो ड्रॉ कार्टून 2 है इसमें ये फीचर बहुत छुपा के रखा गया है, और अगर किसी को पता भी है ये फीचर कैसे यूज़ किया जाता है तो वो आगे किसी को नहीं बताता, इसे राज की तरह रखते हैं। बट आपकी किस्मत अच्छी है, मैं उन राज रखने वालों में से नहीं हूँ। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि आप अपने करेक्टर को कैसे गैलरी से इंपोर्ट कर सकते हैं ड्रॉ कार्टून 2 के लिए। और अगर आपने ड्रॉ कार्टून 2 का यूज़ करके कोई मेरी बनाई हुई वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब सीधा चलते हैं अपने फ़ोन में। तो सबसे पहले हमें हमारा करेक्टर बनाना होगा। करेक्टर बनाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैं अभी लैंडस्केप में बना रहा हूँ, बट जब आप करेंगे तो आप इसे पोर्ट्रेट में करना। तो सबसे पहले हम हेड बना देंगे इसका। इसमें हमें ये करेक्टर दोबारा से इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि रिगिंग में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। मैंने अपनी करेक्टर डिज़ाइन वाली वीडियो में बताया था कि आपका करेक्टर जितना सिंपल हो सके उतना रखने की कोशिश करना, क्योंकि आपको बार बार बनाना पड़ता है। तब आप देख पा रहे होंगे इस करेक्टर का जो फेस है जो पहले दिन हमने बनाया था उससे बहुत अलग हो चुका है, बट एक जो फील होता है वो इस करेक्टर से बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है। तब हम अपने करेक्टर में नीचे की बॉडी देने वाले हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने इस गले को बहुत ऊपर तक ले गया हूँ, ये हमारे जब हम रिगिंग कर रहे होंगे उस टाइम काम आएगा। तब हमारी नीचे की बॉडी बनके तैयार है। अब हम इसमें बाजुएं लगाएंगे। तो बाजुएं पहले आप पूरी की पूरी बनाया करते थे, पर आपने अब ऐसा नहीं करना है, अब आपने आधी आधी बाजू बनानी है। तो ये एक आधी बाजू बन चुकी है, अब हमने दूसरी आधी बाजू बनानी है। तो अब भारी है हाथ बनाने की। इसमें हाथ में आप अलग अलग से उंगलियां भी बना सकते हैं, बट मैं अभी उंगलियां नहीं बना रहा हूं क्योंकि उससे काम बढ़ जाएगा। और ये हाथ बनके तैयार है अब हमारा। अब इस बाजू को हमने इस तरफ को कॉपी कर लेना है। तो अब हमारी ये दूसरी तरफ की बाजू भी हो चुकी है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे टांगे बनाने के लिए जगह नहीं बची है, तो मैं इस तरफ इसकी टांगे बनाऊँगा। ओके, अब हम इन टांगों को कनेक्ट भी कर सकते हैं अब इस शरीर से। तब इस करेक्टर को हमने इसके कपड़े भी पहना दिए हैं, तब हम इसमें रंग करेंगे।
तो अभी ये कलरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम अगर आप चाहे तो आप इसमें हाइलाइट्स ऐड कर सकते हैं, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अब हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं, ये जो आपको काली काली लाइन साइड साइड में दिख रही है ये वाली, ये थोड़ी दिखने में अच्छी नहीं लग रही, तो हम इसे पूरे तरीके से रिमूव तो नहीं कर सकते बट हम इसे थोड़ा फेड ज़रूर कर सकते हैं। तो हम इसमें इसी रंग के, जैसे ये लाल है तो इसके लाल रंग का कर देंगे इस लाइन को। और आप जैसे यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, मैंने सभी लेयर्स को कलर लेयर से अलग रखा हुआ है, ये सारी लेयर अलग अलग से बनाई है मैंने स्पेशली इस चीज़ के लिए। तो आपने भी कुछ इसी तरीके से करना है ताकि आप इसको, अगर ये जो लाइन लेयर है इसे आप इसके ऊपर आप कलर कर सकते। जैसे अभी मैं इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसमें ट्रांसपेरेंसी लॉक करता हूँ और रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसके ऊपर डायरेक्टली यहीं पे कलर कर सकता हूँ। इस चीज़ को और अच्छे से जानने के लिए आप मेरी करेक्टेड डिज़ाइन वाली वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब आपको बीच बीच में ऐसी लाइंस खाली खाली देखने को मिल सकती है, यहाँ पे आउटलाइन नहीं हुई होगी बट इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये रहेगी ही इस तरीके से। इस फॉर्म, इस मेथड की कुछ एक लिमिटेशंस है क्योंकि अभी आप देख पा रहे होंगे। तब हम कलर लेयर और लाइन लेयर को आपस में मिला देंगे। आप इससे पहले इसमें शेडोज़ एंड हाईलाइट भी लगा सकते हैं बट मैं अभी नहीं लगा रहा। हमने उसी सीक्वेंस में भी इसे रख लिया है, वहाँ पे भी जिस तरीके से लेयर्स में लगाया जाएगा। तो हम एक और लेग बना लेते हैं क्योंकि इंसान की दो लेग्स होती है। आपको एक और बात बता दूँ, ड्रॉ कार्टून 2 में जब आप इसे डालेंगे तो आप इसके एक्सप्रेशन चेंज नहीं कर पाएंगे, आपके जो एक्सप्रेशन आप यहाँ पर बना देंगे वही रहेंगे, या फिर तो आप बाद में फ्लिपा क्लिप की हेल्प से इसमें एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ पर ब्लैंक रखना पड़ेगा, पर मैं ऐसा नहीं करता, मैं एक एक्सप्रेशन रख लेता हूँ। ओके, तो हमारे एक्सप्रेशन भी बन चुके हैं। अब हम ट्रांसपेरेंसी ऑन करेंगे और ये जितने भी बॉडी पार्ट्स है, जितने भी अलग अलग लेयर्स पे दिख रहे हैं ये, उन सभी को अलग अलग से सेव कर देंगे। हेड से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सभी बॉडी पार्ट्स हमने अच्छे से सेव कर लिए हैं। अब हम अपने ड्रॉ कार्टून 2 ऐप पर जाएंगे और वहाँ पे इसे जोड़ेंगे। तब हम आ चुके हैं अपने ड्रॉ कार्टून 2 ऐप पर। अब हम यहाँ पे न्यू आइटम कंस्ट्रक्ट करेंगे, न्यू, और अब हमने सबसे पहले यहाँ पे न्यू बोन पे क्लिक करना है और हमने ये जो पेंट बकेट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। और अब जो मैंने आपको बताई थी वो जो हिडन फीचर जो हमें कोई नहीं बताता वो ये है, ये जो आपका सीजर का ऑप्शन दिख रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करके रखते हैं तो ये हमें सीधा गैलरी में भेज देता है। अब आप गैलरी से कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले ये बॉडी इंपोर्ट करेंगे। अब बॉडी को इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है कि हमने यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका, उसे यहाँ पे रखना है बिल्कुल छाती के पास, कि यहाँ से ही हम इस करेक्टर को मूव कर पाएंगे। और ये करेक्टर बार बार अरे परे चला जाता है तो ध्यान से देखते रहना, इसे ध्यान से यूज़ करना थोड़ा। ओके, तो यह आ चुका है हमारा। यहाँ पे इसे अटैच करेंगे, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इस जगह पे इसका सेंटर पॉइंट बना है, ये इसी जगह से मूव होगा, ठीक है। पर अभी ये साइज़ में थोड़ा छोटा है, इसे थोड़ा बढ़ा देते हैं, इतना काफ़ी रहेगा। टांगों के लिए जगह है बची हुई, हाँ आ जाएगा बाकी करेक्टर भी इतने में। एक चीज़ हमने इंपोर्ट कर दी है। अब आप देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है, ये वाली भी छोटी कम बड़ी हो रही है, इसे हमने यहाँ पे जाके इसके जो नेक का बीच वाला पार्ट है यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे हमारा सर आएगा, ठीक है। अभी न्यू बोर्न करते हैं, सेम टेक्निक, सभी चीज़ें मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तब हमने अपने हेड को इंपोर्ट कर दिया है और इसे मैं अटैच करूंगा यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं अच्छे से अटैच हो चुका है और इस तरीके से घूम भी रहा है, पर ये छोटा है साइज़ में, इसे भी हम एडिट करके बढ़ा देंगे।
और आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट पे इसकी बॉडी भी दिख रही है, इससे हम इसका साइज़ का लगा सकते हैं पता कि इतना बड़ा होना चाहिए साइज़ में, और ये इतना काफ़ी है। हाँ ये अच्छा दिख रहा है। अब हम अपने बाजू को भी ले आएंगे, टांगों को भी ले आएंगे और इसी सेम टेक्निक से इन्हें अटैच कर देंगे। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दी है, आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं सभी की सभी चीज़ें यहाँ पर आ गई है। अब हम इसे एक एक करके अपने शरीर से जोड़ेंगे। अब शरीर में जोड़ने से पहले हमें, जैसे मान लो ये बाजू यहाँ पे जोड़नी है, अगर हम ऐसे अटैच करेंगे तो ये बीच से जुड़ जाएगी। इसे करने के लिए हमें एक खाली बोन भी बनानी पड़ेगी। इसके लिए हमें न्यू बोन पर क्लिक करना है और डायरेक्टली राइट कर देना है। अब आप लास्ट में देखिए यहाँ पर एक नई बोन आ चुकी है। अब ये वाली बोन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम यहाँ से अटैच करेंगे, बिल्कुल खाली है, और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और दूसरी साइड के लिए भी ऐसा ही करेंगे जहाँ पे दूसरी बोन जानी है, और नीचे टांगों के लिए भी सेम सिस्टम अप्लाई करेंगे। नीचे अभी एक ही है, तो सबसे पहले हम इस बोन को कनेक्ट करते हैं इस तरफ की अटैच। अब आप देख सकते हैं ये बोन इससे ऊपर है और थोड़ी साइज़ में भी बड़ी है। अब हमें इसे ठीक करना है। तो अगर ये ऊपर है इसके लिए, तो ये यहाँ पे साइड में आप ऑप्शन देख पा रहे हो, इसे यहाँ से नीचे करते रहना है। ये नीचे, इससे नीचे चला गया। अब हमने इसके साइज़ का लाना है। अब यहाँ पर इसे एडिट पे क्लिक करना है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइज़ हल्के से क्या साइज़ आ रहा है। इतना साइज़ ठीक है, इसके लिए इतना साइज़ काफ़ी है, ठीक है, इतना साइज़ ठीक है। बट अब इसे हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे और एडिट करके, बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए क्योंकि बोन ये नहीं था, ये वाला था। एडिट करके इसे सेंटर में ले जाएगी, इसका जो ये वाला पार्ट है ये सेंटर में रहना चाहिए, और ये कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ये सही लगेगा। ओके, तो ये हो गया है। जो इसका सेकंड पार्ट है इसे थोड़ा अंदर की तरफ ले जाएंगे और थोड़ा यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब इसके बाद इसी तरह के यहाँ पे नेक्स्ट बोन अटैच करेंगे। तो अब हमारी दोनों बाजुएं हमने ऐड कर दी है। अब हमने अपनी नीचे की बॉडी ऐड करनी है जो कि ये है। यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे और इसे अटैच कर देंगे। तो ये हमारा करेक्टर बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे आइटम प्रीव्यू में जाकर इसे चेक करेंगे कि इसकी जितनी भी बॉडी पार्ट्स है वो ठीक से मूव तो कर पा रहे हैं या नहीं। इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे हम इसे डांस करवा सकते हैं। हम इसे डांस करवाने वाले हैं कोई भी, हाँ, तो इसके सभी जो भी बॉडी पार्ट्स है वो अच्छे से मूव कर पा रहे हैं, पूरा शरीर भी मूव कर रहा है अच्छे से। आई होप आपको अभी तक की प्रोसेस समझ में आ गई होगी। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल से मिल रही है, क्योंकि जब मैं ये सब कुछ कर रहा था तो मुझे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखने पड़े थे और बहुत सारे ऐप्स को यूज करना पड़ा था, तब जाके मुझे ये फीचर्स अपने फोन पे मिले थे। और वो भी मैं इसलिए ढूंढ पाया क्योंकि ये सारी एनिमेशन मैंने कंप्यूटर पे पहले ट्राई करके रखी हुई थी। सो कांग्रेचुलेशन, यू आर लकी इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट सेक्शन में रेगिंग लिख देना ताकि मुझे पता चले कौन कौन वीडियो लास्ट तक देख रहा है। ठीक है, तो मैं चला, बाय बाय।